छुट्टी के बाद घर आ रहे थे, दहशतगर्दों ने हम पर बरस चला दिए। दहशतगर्द घात लगाए बैठे हुए थे। सानिहा माजका के जख्मी पुलिस अहलकारों की बोलनियों से गुफ्तगू, कहा हमने भागकर अपनी जानें बचाई, हमलावरों को कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे। पंजाब पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पुलिस अहलकारों पर हमले का मुलजिम बशीर शर अंजाम को पहुंचा। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक बशीर शर गुज़िश्ता रोज़ पुलिस अहलकारों पर होने वाले हमले के मरकजी मुलजमान में शामिल था। पुलिस की कार्रवाई में डाकू बशीर शर के दो साथी शदीद जख्मी हुए। IG पंजाब पुलिस का कहना है कि वाकई में मुलविस डाकुओं के किलाकमा के लिए ऑपरेशन जारी है, तमाम मुलजमान को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। शहीद 12 अहलकारों की नमाज जनाजा आज पुलिस लाइन्स में कुछ देर में अदा की जाएगी। ईरान में ट्रैफिक हादसे में पाकिस्तानी जायरीन के जाम बहक होने का वाकया। C-130 तैयारे के जरिए 28 मैयतों को आज सक्खर लाया जाएगा। 15 जख्मी भी खसूसी तैयारे से सक्खर पहुंचेंगे। जख्मियों और मैयतों को एम्बुलेंसेस के जरिए आबाई इलाकों को रवाना किया जाएगा। कराची कारसाज हादसे की एक और CCTV मंजर आम पर आ गई। खातून ने मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी को टक्कर मारने से पहले गाड़ी को टक्कर मारी। वीडियो में देखा जा सकता है कि खातून ने सफ़ेद गाड़ी के अकबी दरवाजे को हिट किया और फरार होते हुए मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में बाप बेटी जान से गए। कराची चैम्बर ने शटर डाउन हड़ताल की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। 28 अगस्त को ताजर बरादरी ने हड़ताल की कॉल दे रखी है। हुकूमत से ताजर दोस्त स्कीम को फौरी तौर पर कम से कम 3 माह के लिए मौखर करने की अपील। पाकिस्तान में रवां साल का 16वां पोलियो केस रिपोर्ट। हैदराबाद में 29 माह की बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक। वज़ीर आज़म की फोकल पर्सन बराए इंसदाद पोलियो प्रोग्राम आयशा रज़ा फारूक के मुताबिक हैदराबाद में 4 माह से पोलियो वायरस मौजूद है। पोलियो वायरस का कहीं भी होना हर किसी के लिए खतरा है। और वफाकी हुकूमत का यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का फैसला। वफाकी हुकूमत ने स्टोर्स इंतजामिया को 2 हफ्ते का वक्त दे दिया। यूटिलिटी स्टोर्स पर दस्तियाब अशिया पर सब्सिडी पहले ही खत्म हो चुकी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।